अस्सलामुअलैकुम, खुशा मुझे आपका से कर हो जाए के ब्लॉग पर। आई होप आप सब ठीक होंगे। लेट्स सी माय इंट्रो। टाटा आज हम करेंगे गिफ्ट्स ओपनिंग, जब कि हमारी सिस्टर्स आई थी, वो हमारे लिए लेकर आई थी कुछ गिफ्ट्स वगैरह हमारे कोर्स के रिलेटेड या डिजाइनिंग के रिलेटेड है। चलिए दिखाते हैं आज आपको अपने गिफ्ट्स। आई होप आपको अच्छे लगेंगे। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको हमारे गिफ्ट्स कैसे लगे हैं, कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छी लगी है। ये आ जाते हैं हमारे पास सारे गिफ्ट्स वगैरह। सबसे पहले आएंगे सर्फी जग, कुछ प्लेट्स, कुछ पेजेस वगैरह। उसके बाद हमारे पास डायमंड है। डायमंड रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, रियल मत समझिएगा। आई नो मुझे भी बहुत पसंद है, आपको भी बहुत पसंद होगा। उसके बाद कुछ आ जाते हैं सर्किट जाके, कुछ पेजेस वगैरह जिसके ऊपर हम लिखते हैं, प्रिंट करते हैं। आप किसी भी पेज के ऊपर प्रिंट कर सकते हो, आपकी चॉइस होती है आप किस तरह का लेना चाहते हो। उसके बाद कुछ कलर है हमारे पास, ये पॉइंटर्स है। ओपनिंग करेंगे तो उसकी पॉइंटर्स की शेप है, लेकिन यहाँ ये पॉइंटर नहीं है, लेकिन उसके ऊपर पेजेस के ऊपर किसी भी कलर से आप लिख सकते हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, ये उस तरह से काम आते हैं। जब हम सर्किट जाएगा पूरी प्रॉपर वीडियो बनाएंगे तब आपको इसमें सारी चीज़ें वाजिया हो जाएंगी कौन क्या करता है। इसके बाद हमारे पास कुछ कटर्स वगैरह आ गए थे। ये कटर्स वगैरह आप किस तरह से उसको कट कर सकते हैं आपकी अपनी मर्जी है। कुछ शिमर्स हैं और ये हमारे पास राजी ने, आई नो ये पाकिस्तान से मिलता है लेकिन उनके पास पड़ा हुआ था। हमने कहा चलो यार दे दो, बस देते जाओ, बस ले आओ, कुछ भी ले आओ। उसके बाद हमारे पास कुछ शाइनर्स आ जाते हैं, कुछ चीज़ें आ जाती है जो कि हम रेजिन के अंदर भी डाल सकते हैं। जब हम रेजिन की चीज़ें बनाते हैं हम उसके अंदर भी डाल सकते हैं, या फिर कास्टर पेस्टल कलर के भी हम डाल सकते हैं। ये कलर्स आ गए हमारे पास। आपने अगर किसी कलर्स में कोई कलर करना है किसी में, मतलब रेजिन में आपने कोई ड्रॉप कराना है, या फिर किसी जगह पर आपको कोई कलर यूज़ हो रहा है, या फिर ये जो कलरिंग है पेंटिंग है उसके अंदर आपको कोई चीज़ यूज़ हो रही है तो आप उसमें ये यूज़ कर सकते हैं, ये उस लिए भी यूज़ हो सकता है। ये हमारे पास कुछ कलर्स आ गए थे और ये हमारे पास कुछ बॉक्स हैं, बॉक्सेस हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके अंदर तरह तरह की डिफरेंट डिफरेंट कलर की चीज़ें हैं, सिल्वर में, गोल्डन में, किसी भी तरह की। कुछ ये कीचेंस वगैरह जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर जो रिंग्स वगैरह यूज़ होते हैं, छोटे छोटे रिंग्स जो यूज़ होते हैं वो है। अक्सर जब कीचेंस वगैरह होते हैं उसके अंदर से रिंग्स निकल जाते हैं, कोई प्लग निकल जाता है, कुछ भी निकल जाता है, तो रिंग हमारा किचन जो है वो ख़राब हो जाता है। ये हमारे पास टॉप्स आ जाते हैं, टॉप्स हम जो रेजिन के वगैरह के बनाते हैं, ये सारे टॉप्स वगैरह वो हैं। और ये चेन्स वगैरह भी हैं हमारे पास। इसमें इसमें काफ़ी तरह का मटेरियल है जो आप एक ज्वेलरी के लिए भी, एक किचन्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट है, हर बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ में चेन्स हैं, कुछ में कुछ है। आई होप हमारे अभी तक आपको गिफ्ट्स जो हैं वो अच्छे लगे होंगे, यूनिक से लगे होंगे, प्यारे से लगे होंगे। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोज़ वगैरह कैसी लग रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार दिया हमारे, एक इतनी जल्दी जो है वो 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अगली आप वीडियो में अगर आप ऐसे ही हमें प्यार देते रहे तो इंशाल्लाह आपके लिए एक ज़बरदस्त आइडिया लेकर आएंगे, ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर आएंगे। आप चाहे तो हमारे एक दिन में भी, दो दिन में भी, तीन दिन में भी इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो सकते हैं, तो देख इस बात के जल्दी से करें ना। उसके बाद मेरे पास कुछ ब्रश थी, जो भी आपने कोई भी, अगर आपने पेंट करना है, कुछ करना है, या फिर कोई करना, कुछ भी आप कोई भी काम के लिए यूज़ हो सकता है ब्रश। ज़्यादातर जो है वो घरों में जो है वो ऑयल के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पास आ जाते हैं आर्टिफिशियल्स, ड्राई किए हुए, आर्टिफिशियल तो नहीं है, रियल है, ड्राई किए हुए फ्लावर्स हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फुल फुल फ्लावर बना हुआ है कि आपने कोई मेन जो है वो बड़ा कोई चीज़ बनानी है रेज़िन से, तो आप उससे वो बना सकते हैं बीच में फ्लावर रख के। ये हमारे पास पेज है, शाइनर पेजेस हैं, ये बहुत ही अमेजिंग थे। जो डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जो इन चीज़ों को जानते हैं वो तो समझ ही गए होंगे ये क्या है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता। मुझे भी पहले नहीं था पता होता है क्या क्या होता है, लेकिन जब से मैंने पढ़ना शुरू किया मुझे आई नो मुझे पता चल गया है। इसलिए आपको भी मेरी वीडियो देख देख के पता चल ही जाएगा। ये मेरे पास कुछ गोल्डन कलर में थे, कुछ सिल्वर में है, कुछ ऑरेंज में है, कुछ लाइट गोल्डन है, सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब ये ब्रश इस काम में भी आ सकते हैं कि आप सफाई वगैरह कर सकते हैं, जैसे अगर कोई चीज़ इधर उधर हो गई है, या फिर आप काम कर रहे हो तो डस्ट पड़ गई है, तो आप इधर से साफ भी कर सकते हैं जैसे मैंने अभी किया। अब ये आ जाते हैं हमारे पास मोल्ड, ये इसमें हम रेजिन बनाते हैं। ये हमारे पास हो जाते हैं कीचेन्स की जो है वो चीज़ें, कुछ गोल्डन और सिल्वर में, कुछ ज़्यादा और भी एक्सेसरीज आ गई हैं। ये हमारे पास आ जाते हैं मोल्ड, डिफरेंट मोल्ड आ जाते हैं जिसके अंदर हम कुछ भी कलर बना सकते हैं, छोटे पैडल्स हम बना सकते हैं, बड़े पैटर्न्स बना सकते हैं, कीचन बना सकते हैं, या फिर कोई ज्वेलरी बॉक्स वगैरह बना सकते हैं, या फिर बुक मार्क भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें सारे मोल्ड उसी के ही हैं, छोटे छोटे, और ये कीचन के ऊपर जो रिंग रहता है वो है।
चलो साइड पे हो जाओ तुम सब लोग, सारे गिफ्ट साइड पे हो जाओ, और गिफ्ट आ रहे हैं। ये एक और एक छोटा सा अमेजिंग सा मजेदार है कि आप किसी भी कलर को आप इजीली उठा सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी चीजों को उठा के उससे पीछे किया, एक ये भी आपके पास टूल्स आ जाता है। उसके बाद ये एक छोटा सा और मोल्ड था, और ये आगे हमारे पास कुछ शिमर्स वगैरह शाइनिंग्स आ जाती है। ये शाइनर है कि आप रेजिन के ऊपर कोई शाइनिंग आपने लगानी होती है तो आप वो शाइनर लगा सकते हैं। और ये कुछ शिमर्स हैं जब आप रेजिन का काम करते हो तो उसके अंदर कुछ शाइनिंग डालने के लिए। अगर आपने हमारी कोई कैंडल्स आपने हमने बनाई थी, अगर आपने हमारे ब्लॉग में देखी तो उसका हमने शाइनिंग लगाया। और ये हमारे ट्यूजर आ गया चीजें वगैरह उठाने के लिए, ये चीजें उठाने के लिए नहीं होता, लेकिन कोई भी चीज मतलब आपकी गिर गई या कुछ हो गया या फिर आपको चीज रखना चाह रहे हो तो वो इसलिए काम आता है। उसके बाद ये आ जाते हैं मेरे पास, जिसे हम गुजराती जुबान में कहते हैं फुमनिया, जो हम अक्सर कपड़ों पर लगाते हैं, जो कपड़े सीते होंगे या फिर गर्ल्स तो जानती होंगी इसे। ओके, अब हो जाता है हमारा शॉपर हाली। अब हम करेंगे उसकी पैकिंग, हमने सारा कुछ पैक कर लिया। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, उससे पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिल सके, इस तरह आपको अच्छे अच्छे से लाभ मिल सके और आपको एक अच्छा नया एंटरटेनमेंट मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा।